नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज़ निकल के आती है या जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, तो हमने आपको हर एक न्यूज़ को हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को आप तक पहुँचाया है। तो इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने मिल रहा है, काफ़ी दिनों से हैवी कंसोलिडेशन के बाद इसमें हमें धमाकेदार ब्रेकआउट देखने वाला है। और पर डे देखिए, हमें इसमें लगातार अपर सर्किट पर अपर सर्किट देखने मिल रहे हैं और ये शेयर लगातार ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आज भी देखिए, इसमें मैंने जो कर बोला था कि इसमें आपको तेजी जरूर आएगी, लेकिन अपर सर्किट इसमें शुरुआत में नहीं लगेगा, आपको जो है उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिलने वाला है। और देखिए, वही चीज़ इसमें आज देखने को मिली। तो क्या ये एक अच्छी बात है, इसमें जो ये उतार चढ़ाव हुआ है, या इसमें आपको को गिरावट जल्दी देखने मिलने वाली है, या ये शेयर इसी प्रकार से आपको ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ये बातें करेंगे हम आपको इस वीडियो में। इसके अलावा हम आपको बताएंगे इसके आगे के कौन से टारगेट रहेंगे। ऑलरेडी अगर आप इसमें इन्वेस्ट हैं तो आपको अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या अपनानी है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका कौन सा लेवल इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा, ये सारी बातें बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। और साथ में आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको फ्री में इंट्राडे ट्रेड, बीटीएस स्टॉक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक होते हैं, ये सारी फैसिलिटी हम आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको किसी भी प्रकार का चार्ज पे नहीं करना है। देखिए, हमने आपको आज एक बैंक निफ्टी की 37,000 की देखिए कॉल दी थी, इसमें काफ़ी अच्छा पैसा हम लोगों ने बनाया। और देखिए, हमने आपको एक 17,800 की पुट दी थी निफ्टी की। और इसके अलावा देखिए, मैंने आपको एक ये बैंक निफ्टी की 37,400 की पुट दी थी, इसमें भी लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। और हमने आपको यूपीएल की ट्रेड दी थी, यूपीएल की ट्रेड में लोगों ने भर भर के पैसा बनाया। ऑलमोस्ट देखिए 6100+ जो है इसमें प्रॉफिट बना, सिर्फ और सिर्फ एक डॉट में। और देखिए, कटेक्स की हमने आपको एक जीती थी ट्रेड, ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना इसमें। और इसके अलावा देखिए, हमने आपको एक ट्रेड दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, ये अपने ये दी थी मैंने MFSL की, मैक्स फाइनेंस सर्विसेज की। और एक और ट्रेड दी थी मैंने आपको, वो काफ़ी अच्छी रही, वो कौन सी थी, वो थी अपनी भारतीय एयरटेल की, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, भारतीय एयरटेल की ट्रेड थी हमारी, वो भी काफ़ी अच्छी रही है, उसमें भी लोगों ने काफ़ी चाहना ये भारतीय एयरटेल की। और एक ट्रेड थी हमारी इसके बाद जो थी, ये थी हमारी जो आपका चंबल फर्टिलाइजर एक कंपनी, इसकी भी ट्रेड हमने आपको दी थी, वे भी बहुत अच्छी रही, मतलब कि काफ़ी भारी प्रकार आज ट्रेड रही, बहुत अच्छा दिन रहा आज का और लोगों ने काफ़ी अच्छा पता बनाया। अगर आप भी इन सब चीज़ों का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, इस पर क्लिक करते ही आप जो है हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। हमने आपको एक शॉर्ट टर्म का बहुत अच्छा इसमें स्टॉक दे रखा है, वो स्टॉक जाके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक बहुत ज़्यादा आपको पैसा आना के देने वाला है, आपका पैसा 2-3 महीनों में ही डबल हो जाएगा अगर आप उस स्टॉक को बाय करते हैं, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रॉग है और आपका पैसा भी बहुत जल्दी बनाने वाली है कंपनी। तो आप जाकर ग्रुप को चेक कीजिए, कौन सा वो स्टॉक है, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ, ये कैसे क्या हमें ट्रेड देखने वाली है आज के दिन जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आप देखें, आज जो है इसमें ओपनिंग हुई कहाँ पर हुई, 2.40 रुपये पर। और ओपनिंग देखिए, इसमें काफ़ी देखिए उतार चढ़ाव देखने वाला, बार बार ऊपर नीचे ये स्टॉक करता रहा। और देखिए, अपर सर्किट लगा, सर्किट टूटा भी, बहुत जो है उतार चढ़ाव देखने वाला। लेकिन फाइनली देखिए, अगर आप ऑलमोस्ट 2:45 के माफ कीजिएगा 12:05 के बाद जो है इसमें तेज़ी आई और फिर पूरे दिन हमें अपर सर्किट देखने मिला है। कल भी मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, कल इसमें बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलने वाला है, कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल इसमें जो मैंने आपको ऑर्डर दिखाए थे, नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्डर कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें तनाव देखने मिलने वाला है, लेकिन तेज़ी जरूर देखने मिलेगी। देखिए, तेज़ी इसमें आज भी आई है, 10% की तेज़ी, 4.26% का इसमें अपर सर्किट देखिए लगा हुआ है और 2.45 रुपये पर ये शेयर पहुँच चुका है। बात किया 1 वीक की, तो 1 वीक में देखिए इसमें ऑलमोस्ट 35% की तेज़ी, 16.67% रिटर्न देखने को मिले हैं एक सप्ताह में। 1 मंथ की बात की जाए, 1 मंथ में 53.13% रिटर्न है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें एक महीने में हमें अभी तक देखने को मिल चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, देखिए आज का दिन जो हुआ तो हुआ, तो ये अच्छी बात है, देखिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये सर्किट जो टूट रहा है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सर्किट टूटना चाहिए, अगर सर्किट लगा हो तो लगातार, अगर सर्किट रहता है तो अच्छी बात रहती है, लेकिन सर्किट टूटता है तो मतलब कि इसमें अपनी पोजीशन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं किसके साथ में, छोटे खिलाड़ी के साथ में, मतलब कि छोटे खिलाड़ी जो आस में लगे हुए थे कि इस स्टॉक को खरीद नहीं पा रहे, तो उन लोगों को जो है ये स्टॉक मिल जाएगा और बड़े खिलाड़ी अपनी एंट्री की बजाय अब इससे एक्सिट ले रहे हैं, मतलब कि इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को थोड़ा बहुत मिल सकती है आगे आने वाले समय में। और सवाल ये उठता है कि कल के दिन क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगी, परसों आएगी, कब आएगी। देखिए, पहले बात करते हैं कल क्या होने वाला है, तो कल देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं कल का वॉल्यूम, माफ कीजिए आज का वॉल्यूम कितना रहा है, आज देखिए कितना है, ऑलमोस्ट 27,13,872,853 शेयरों का इसमें ट्रेड हमें देखने को मिला, मतलब वॉल्यूम में बहुत ही ज़्यादा एडिशन देखने को मिला है, कल के दिन से भी ज़्यादा हमें वॉल्यूम आज देखने को मिला है। और अगर आप देखें नंबर ऑफ ऑर्डर देखें कितने, 21,61,268 शेयरों का हमें बाइंग साइड पर ऑर्डर देखने मिला है 2.40 रुपये के प्राइस पर, मतलब कि ऑर्डर अभी भी देखने को मिल रहा है, ये बात तो है, लेकिन ऑर्डर अगर आप देखें तो वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्डर कम है, क्योंकि ये ऑर्डर आपको कुछ दिन पहले करोड़ों में देखने को मिल रहे थे, लेकिन ये नंबर ऑफ ऑर्डर भी कम हो रहे हैं,
तो देखिए ये कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कल भी आपको ये चीज देखने मिल सकती है जो आज भी हुआ है कि बार बार ऊपर नीचे करता रहा, तो कल भी ये चीज देखने मिलेगी। हो सकता है कल के दिन भी आपको अपवर्ड सर्किट के साथ ओपनिंग देखने को ना मिले, लेकिन तेजी आपको थोड़ा बहुत देखने मिल सकती है। और अगर भारी संख्या में सेलिंग होती है तो इसमें हल्का फुल्का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो कल का दिन आपका काफी इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा सा मार्केट में एक्टिव रहना है कल के दिन इस स्टॉक में। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि देखिए वॉल्यूम एडिशन बहुत ज्यादा हो रहा है 2 दिन से लगातार, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर ऑलमोस्ट यहीं आसपास घूम रहे हैं, कम हो रहे हैं और नंबर ऑफ ऑर्डर थोड़ा इंक्रीज भी हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं। इसलिए आपको कल के दिन बहुत एक्टिव रहना है और इसमें कल के भी आपको तेजी देखने मिलेगी। ये बात बिल्कुल तय है, ऊपर नीचे स्टॉक करेगा कल फिर, जैसे आज हुआ है ऊपर नीचे किया इसने, बाबा सर के टूटा फिर लगा, सर के टूटा लगा, ये चीज आपको कल भी देखने को इसमें मिलने वाली है। बाकी इसमें थोड़ा एक्टिव रहिए, अगर इसमें गिरावट आती है लोअर सर्के लगता है और आपने शॉर्ट टर्म पैसा निवेश करा रखा है तब भी आप इसको होल्ड करेंगे, आपको इसमें डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना, क्यों मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं डरना आपको, क्योंकि देखिए इसमें अभी तेजी आना बहुत बाकी है, अभी ये शेयर सिर्फ शुरुआत है तेजी की, तो आपको भी होल्ड करना है। अगर इसमें गिरावट आती भी है तो थोड़ा बहुत ये गिरावट लेगा और दोबारा से ये स्टॉक ऊपर चढ़ेगा, तो आपको इस चीज का जो है आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी। थोड़ी बहुत डिप आएगा तो डिप से आपको डरना नहीं है, अगर आपको कल भी लोअर तक लग जाता है तो कभी आपको परेशानी नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें तेजी फिर से आपको देखने मिलेगी और ये शेयर फिर से आपको अप ट्रेंड में देखने मिलने वाला है। ठीक है, ये काम आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर हार मान जाएंगे, आप छोड़ देंगे स्टॉक को कि लोअर सर्किट लग गया आप तो मैं फंस गया, तो आपको फिर पैसा आप नहीं बना पाएंगे। तो आपको क्या करना है, होल्ड करना है, थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, करेक्शन आएगा। क्यों आएगा करेक्शन, देखिए क्योंकि ओवरबॉट चल रहा है, जब भी ये शेयर ओवरबॉट हुआ देखिए यहाँ भी ओवरबॉट था, गिरावट आई थी, तो देखिए अभी भी ओवरबॉट है तो गिरावट थोड़ा बहुत आ सकती है, बिल्कुल बिल्कुल श्योर, क्योंकि तभी तो आप वॉल्यूम देखिए बढ़ रहा है और देखिए वो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो रहे हैं, तो हल्का फुल्का का करेक्शन के चांस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और वो जल्दी जल्दी करेक्शन आता है उतना आपके लिए अच्छा है, कि करेक्शन जल्दी आएगा तो तेजी उतनी ज्यादा अच्छी आएगी, क्योंकि अगर करेक्शन मान लीजिए तेजी बहुत ज्यादा आती है, लगातार स्टॉक बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, तो करेक्शन भी उतना ज्यादा आता है, तो जल्दी करेक्शन आएगा तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट है। तो आपका टारगेट रहेगा 2 रुपये 95 पैसे का, टारगेट नंबर 1। टारगेट नंबर 2 आपका रहने वाला है 3 रुपये 25 पैसे का। टारगेट नंबर 3 आपका रहेगा वो है आपका 3 रुपये 90 पैसे, ऑलरेडी आपको मैंने दे रखा है टारगेट। तो आपको मेन फोकस करना है किस पर, 3 रुपये 90 पैसे पर, ऑलरेडी अगर आप इसमें इन्वेस्ट है तो होल्ड करें, आपको उसको शेयर बेचना नहीं है। और ये जब डिप आएगा तो आपके पास काफी अच्छा मौका है इसमें और क्वांटिटी ऐड करने का, तो जिन लोगों ने बाई नहीं कर रखा तो क्या करें, अभी बाई ना करें, नीचे डप आने दीजिए, तब आप इसमें अपनी फ्रेश बैंक कर सकते हैं, फ्रेश बैंक के लिए आपके लिए काफी अच्छा मौका निकल के आ रहा है। ऑलरेडी अगर आप इसमें इन्वेस्ट है तो होल्ड करिए, और अगर आप इसमें जो क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं इस डिप में आप अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जो डिप अभी आने वाला है या थोड़ा सा सर्किट टूट रहा है तब भी आप इसमें क्वांटिटी अपनी ऐड कर सकते हैं, जो सर्किट टूटा आज भी टूटा था कल भी टूटा था, तो आप इसमें भी अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, काफी आपको फायदा होने वाला है। बाकी आपका टारगेट अभी 3 रुपये 90 पैसे का देगा, बस आपको एक काम करना है, कुछ नहीं बहुत आसान काम है, आपको करना है सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, डरना नहीं है कि आप लोअर सर्किट लग जाए तो आप डर जाएं, डरना नहीं है, बस रखना है पेशेंस और अपने आप पर भरोसा करना है आपको। बाकी आपका टारगेट है 3 रुपये 90 पैसे का, स्टॉप लॉस आपका है 1 रुपये का। बाकी आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, आपको पर डे उसमें लॉन्ग टर्म लॉन्ग शॉर्ट टर्म के स्टॉक, इंट्राडे के ट्रेड, बीटीएसटी स्टॉक, हर प्रकार की आपको उसमें सुविधा मिलने वाली, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ग्रुप का कोई भी चार्ज नहीं है, आप जो है उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। तो काफी बेनिफिट होने वाला है ग्रुप को ज्वाइन करने से, आपको पेनी स्टॉक की बहुत जल्दी हम रेसिपी देने वाले हैं, तो आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपके ये रिवेस हैं, इसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तक का वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते अपना पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।